नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार, स्वागत है आप सबको एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो किंग प्रिंस के ऊपर। दोस्तों, वीडियो से मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इन्वेस्टमेंट मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग केयरफुली। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फिनटॉक के ऊपर। आज वीडियो के थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम किस किस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या गलत क्या सही उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, और क्या अभी फिनटॉक विड्रॉल आपको देगा कि नहीं देगा वो आपको हम बताने वाले हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका डिसीजन कुछ दिन पहले अगर सही वे में चला जाता तो क्या होता, हम बात करने वाले हैं ड्रीम कम ट्रू और फिनटॉक के ऊपर। तो बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। और उससे पहले आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप अपना कमेंट में अगर आपकी हमारी वजह से आपका लॉस होने से बच गया होगा, या आपने कितना आपका लॉस हुआ है फिनटॉक के अंदर, आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि मैं कमेंट का ऑप्शन जानते ही हैं, मैं कभी बंद नहीं करता हूँ, ठीक है, जो है, क्योंकि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, जो रियलिटी है उसको मैं सामने कहता हूँ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं फिनटॉक के ऊपर। अभी की प्रेजेंट स्थिति की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि भाई सारा का सारा ये जो यूट्यूबर था जो बोल रहा था ऐसा है वैसा है, सब कहीं ना कहीं वो मतलब शांत हो गया है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पास समय नहीं मिल रहा था इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, ठीक है, अगर समय होता तो ज़रूर मैं सबका जवाब देता, ठीक है। अभी प्रेजेंट की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिनटॉक के ऊपर। फिनटॉक आपको पता होगा एक तारीख को इसका विड्रॉल आने वाला था, शुरुआत में आपको बोला गया था कि एक तारीख से आपका सबका विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, कंपनी अपना खुद का फिनचैन ला रहा है, ओके। फिनचैन लाने के बाद आपको जो आपका पैसा है वो आपको जैसे इस प्रकार से है उस प्रकार से आप ये अपना खुद का ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करेगा, बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है उससे सारा फंड ट्रांसफर हो जाएगा। हुआ भी ऐसा, इसने अपना जो है फिनचैन का इसने अपना ये लाया कॉन्ट्रैक्ट, अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च किया, लेकिन जो एक तारीख को ये विड्रॉल देने की बात कर रहा था वो विड्रॉल कहीं ना कहीं नहीं मिला, ठीक है। नेक्स्ट आया कि भाई चलो एक तारीख को नहीं आया है सर, आप सबको 7 तारीख को डेफिनेटली आपको विड्रॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट जो तारीख आया वो 7 तारीख आया, 7 तारीख के विड्रॉल ना आकर के फिर से इसने क्या किया कि अपना सुपर नोट लॉन्च किया, ठीक है। सुपर नोट के अंदर आपका जो पैसा था उस पैसे के ऊपर ये आप जो आपका पैसा है, ठीक है, शुरुआत के अंदर देखिए इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, कहा कि भाई जो भी आपका पैसा है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था या जो भी आपका प्रॉफिट था, उसको आपको कहीं ना कहीं उसके बदले आपको सुपर नोट बाय करना है, ओके। इसको आपको बाय करना होगा, अगर बाय नहीं करते हैं तो आपका पैसा का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा सीन, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव वे में ले रहा है, लेकिन मैं इसको अभी भी कह रहा हूँ कि ये एक मकर जाल है जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है लोगों को, समझे। अब यहाँ पे देखिए इसने सुपर नोट लोग खुशी से बाय नहीं किया है, मैं आपको बता दूँ लोगों को इसने मजबूर किया है, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तो कोई नहीं था जो आप इसको बाय ना करके आप इसको कैश कर लेते, देयर इज़ नो ऑप्शन, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें भाई, तो तीसरी के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए अगर सिस्टम, दो चीज़ों को आप समझिए, मैं नहीं कहता हूँ कि सिस्टम गलत है सही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा और मेरी टीम का भाई लॉस नहीं हुआ है तो मुझे क्या मतलब है इससे, ठीक है। हम बात करते हैं सिस्टम शुरुआत में जब आया था, कॉमनली आप सोच के देखिए, डिसीजन आपको लेना है कि क्या सिस्टम आपको सच में घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है, इसका आप खुद ये चीज़ कर लेंगे। सिस्टम जब शुरुआत में आई थी तो उसने हमें कहा था कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो 100% ट्रांसपेरेंट वर्क करता है, हमारा सिस्टम जो है इसका मेन सोर्स ऑफ जो इनकम है ना वो लेंडिंग और ब्रोइंग है, ये क्या करता है कि ट्रेडर को 1% ट्रेडर को जो है ये 2% पे लोन देता है, और यहाँ से ये 1% अपने पास रख के 1% आपको रिटर्न देता है, मेन जो इसका सोर्स ऑफ इनकम वो ये था, और ये बहुत ही सक्सेसफुल था, लोगों का कहना था, मैं नहीं कह रहा था, लोग कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, ये है वो है, बहुत सारे दावा कर रहे थे। भाई सबसे बड़ी सवाल ये है कि भैया जब आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम ये था तो फिर इसको बंद करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्यों इसको बंद किया गया, सवाल यहाँ पर ये है, आप अपने अपलायंस से पूछिए कि अगर ये चीज़ सही था तो फिर क्यों बंद हुआ, जब इसका ये सोर्स ऑफ इनकम था, जब ये ख़त्म हो गया तो अब कहाँ से पैसा देगी कंपनी, उसका जवाब सुनिए। अभी कहना है कि कंपनी ने अपना माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसके अंदर कंपनी माइनिंग कर रहा है, और माइनिंग के बदले आपको FTH दिया जाएगा, ठीक है, FTH दिया जाएगा। भाई सवाल तो यहाँ है कि उस FTH का आप करोगे क्या, करोगे क्या, सवाल ये है। देखिए आपने शुरुआत के अंदर, हो सकता है आपके पास ये कब आया होगा, फरवरी या मार्च में आपके पास ये प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, आई एम श्योर कि ये फरवरी या मार्च में यही दो आपके पास आया होगा, बहुत सारे लोग तो अप्रैल में भी आए हैं, मई में भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं किए, लेकिन सिस्टम को आपने क्या देख के ज्वाइन किया था उस चीज़ को आप समझिए। सिस्टम के अंदर आपको एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी थी वो था कि भाई ये सिस्टम एक यूनिक लग रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम लग रहा था, मतलब कोई कंडीशन नहीं था, आप आज इन्वेस्ट करो, आप 7वां दिन अगर आपको पसंद नहीं आता है तो पैसा विड्रॉल कर लेते हो,
तो इससे लोग सेफ फील करता था, फ्रीडम फील करता था कि भाई कंडीशन कुछ भी नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगा या महीने दो महीने हम काम करेंगे, अपना प्रिंसिपल सेव करके हम निकल जाएंगे। डेफिनेटली अब ये चीज़ आपने सोच करके सिस्टम के अंदर एंट्री ली होगी, येस और नो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपने ये सोच करके कि भाई लोगों को हम लगवाते हैं बहुत करेंगे, तो एक महीने दो महीने बाद कहेंगे कि भाई पैसा निकाल लो, प्रॉफिट के साथ आप जा सकते हो अगर सिस्टम अच्छा नहीं लगा तो, बाकी रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हो। और ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, भाई ये मार्केट रिस्की है तो इसमें देखिए ना ही किसी का गलती नहीं है। ये सब जो प्लान है ना, ये मार्केट से पैसा उठाने के लिए ही आते हैं, पैसा आपको देने के लिए कभी नहीं आते हैं। तो ये गलत फहमी के शिकार अपना हो कि भाई ये कभी जाने वाली सिस्टम नहीं थी। ठीक है, फिर भी देखिए अभी आप किस लिए सिस्टम के अंदर हैं, किस लिए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न ये है कि सिस्टम ने आपको मजबूर कर दिया है, आप यहाँ से पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो अगर आज के डेट में ये कम्प्लीटली फ्रीडम दे दे लोगों को, लोग अभी के अभी पैसा निकाल के बाहर आ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, लेंडिंग बोरोइंग का सिस्टम ख़त्म। अब आपको आपका जो पैसा है उसके बदले कंपनी आपको देगी क्या, तो FTH इसका जो टोकन है, FTC टोकन आपको देगी, जिसका वैल्यू जो है अराउंड $1 के आसपास रहेगा, और इसको आप पैनकेक स्वैप पे जाके स्वैप कर सकते हो, जो कि अभी कुछ ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखिए रह गई बात यहाँ पे, मेरा क्या मानना है मैं आपको बता दूँ, पैनकेक स्वैप पे जितने भी पोंजी वाली जो चीज़ें होती है, जितने भी क्वाइन, मैं आपको हज़ारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ, आप पैनकेक स्वैप पे इजीली कोई भी क्वाइन को लिस्टेड कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अभी कुछ दिन पहले MZ आया था, MZ भी पैनकेक स्वैप पे था, आज देखिए लिस्ट हो गया। उसके बाद FZ था, बहुत सारी ऐसी क्वाइन है जो पैनकेक स्वैप के आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन उसका कोई फ्यूचर नहीं होता है दोस्त, इस चीज़ को आप समझो। लेकिन खैर ये तो अभी पैनकेक स्वैप के ऊपर भी नहीं है, और भगवान जाने कि भाई ये कब आपको प्रॉफिट विड्रॉल करने देगा। देखिए मेरा कोई सिस्टम से पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि मैं सिस्टम के बारे में गलत बोलूँ सही बोलूँ, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, ओके। लेकिन ये है कि भाई हमें जैसा लगता है कि ये विड्रॉल नहीं देगा, आपको सिर्फ घुमा रहा है, सिर्फ और सिर्फ घुमा रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिनटॉक और उसके बीच कि आखिर आपके साथ क्या गलत हुआ है। दोस्तों अगर आपको याद होगा कि अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे, या हो सकता है कि अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाला था कब, 29 मार्च को। ठीक है, 29 मार्च को हमने एक वीडियो डाला था कि भाई फिनटॉक जो है वो रियल प्रोजेक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म का नहीं है, आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है शेयर किया जा रहा है। अगर आपको चाहिए तो भाई इसके बजाय आप ड्रीम कम ट्रू को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आप सबको ये चीज़ बताया था कि ड्रीम कम ट्रू इज़ द बेस्ट है, क्यों, क्योंकि मैंने इस क्वाइन इस प्रोजेक्ट को लेकर के मैं हर एक रिसर्च कर चुका हूँ, खुद मैं दुबई जा करके ऑफिस विजिट करके फाउंडर से फेस टू फेस बात करके आया हूँ, तो इस पे हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। इसका सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखता है, हर चीज़ आपको फिजिकली रूप से ये एग्जिस्ट करता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फिनटॉक आपके पास अगर पूछे कि कब आया था, तो भाई हो सकता है कि आपके पास ये प्रोजेक्ट जो है फिनटॉक वो कब आया होगा, तो ये आपको आया होगा फिनटॉक अराउंड कहे तो फरवरी या मार्च में। ठीक है, और मैंने 29 मार्च को ये वीडियो डाला था। और मैं आपको बता दूं मेरा खुद का जो फिनटॉक ये ड्रीम कम ट्रू के जो अंडर आईडी लगा था वो कब लगा है, तो वो मेरा लगा है फरवरी के अंदर मैं सिर्फ आईडी लगा करके इसको गुप्त रूप से इसके अंदर रिसर्च कर रहा था, देख रहा था कि भाई वाकई ये रियल है कि नहीं। उसके बाद मैंने प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद हम सब दुबई निकले, दुबई निकलने के बाद जाकर के और इसके फाउंडर और सारी चीज़ें को मैंने, सारे पैरामीटर को हमने देखा समझा कि क्या ये वाकई रियल प्रोजेक्ट है कि नहीं। अगर इसकी ऑफिस, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि सर इसका ऑफिस कहाँ है और मुझे नहीं दिखा, मैं दुबई से हूँ। भाई सबसे पहली चीज़ तो अगर आप अंधभक्त हो या दूसरे प्रोजेक्ट के आदमी हो तो आपको ये ऑफिस नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपको मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ अगर आप एक भी वर्ड नेगेटिव जो हमारे दुश्मन है उसको मैं बता दूँ, अगर निकाल देते हैं तो आप जो कहोगे, जो प्रोजेक्ट कहोगे, मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, समझ गए ना। यहाँ पे हम बात करें भाई, तो हमने आप सबको बताया था कि इसका जो ऑफिस है वो कहाँ है, दुबई के अंदर, और दुबई में बहुत ही पॉपुलर जगह है। कहाँ पे, तो लतीफ़ा टावर का नाम आपने सुना होगा। लतीफ़ा टावर के 19वें फ्लोर पे चले जाइए, 19वें फ्लोर पे इसका ड्रीम कम ट्रू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जाके आप विजिट कर सकते हो। दुबई का जो गवर्नमेंट है उसके रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चल रही है, एकदम लीगल वे में काम कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिनटॉक के अंदर थे कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में, उसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो लोग चीज़ों को रियल चीज़ों को समझे, वो उस समय अलग सिस्टम से पैसा निकाल के इसमें एंट्री ले लिए, और उसका नतीजा क्या निकला आज देखिए। ओपनली कह रहा हूँ कि अभी उसको 5 साल कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं होगा, 5 साल की हम बात कर रहे हैं भाई, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि भाई सिस्टम बंद हो जाएगी, ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि भाई ये लाइफ टाइम चलेगी, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहता हूं कि आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो ना, 5 साल अपने आप को सिक्योर कर लो, 5 साल तक बनाओ, जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, अपनी टीम को भी कमाओ, सबको कमाओ, 5 साल आराम से आपके पास पूरा का पूरा मौका है। तो ये है सिस्टम की खासियत, क्या है क्या है नहीं है, सारी चीज़ पे मैंने डिस्कस किया है, आप जाइए उस चीज़ को देखिए, समझे। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर देखिए क्या था, 1% डेली देता था, मैं आपको बताया था कि भाई उससे ज़्यादा प्रॉफिट के मामले में देख रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, हर चीज़ के मामले में ड्रीम कम ट्रू उससे बेहतर था। आज
जो लोग सिस्टम फिनटॉक से हमारी बातों से सुनकर के आए, कहीं ना कहीं आज वो प्रॉफिट में है और अभी रहेंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना मेरा बात को, भाई ले भुगतो, क्योंकि आपका जिम्मेवार इस चीज़ पे अगर आप आए हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेवार आप हैं, ठीक है। सही चीज़ों को पहचानिए, सही चीज़ आपके आसपास ही आपके इर्द गिर्द ही है, लेकिन आपको उसे ढूंढने की आवश्यकता है, समझे। अरे भाई इस सिस्टम का आप सोर्स ऑफ इनकम को समझो ना पहले, आप क्या है नहीं है, हम किस बेस पर रियल बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप समझो ना, उसके बाद आप डिसीजन लो। मैं तो ओपनली बोला था आपको कि भाई आप आओ देखो समझो। आज देखिए सबका, सबके सब लोगों का लगभग जो है प्रिंसिपल निकल गया, तो कोई बहुत पैसा कमाया, चल रहा है और अभी ये चलेगा, ओपनली बोल रहा हूँ। लेकिन आपने किस बेस पे आए, वहाँ आए थे, आप अपने आप से पूछो कि क्या जो चीज़ सोच के आए थे क्या वो चीज़ अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने कितना कमाया, कुछ नहीं कमाए होंगे, मैं आपको ओपनली कह सकता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर कोई लीडर, जो बड़ा लीडर कहता है ना कि मैंने कमाया, तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये गद्दारी करवे वाला कहानी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको कमाना नहीं कहते हैं, उसको लूटना कहते हैं। भाई पैसा तब तक आप नहीं कमाते हो जब आपके भरोसे जो लोग पैसा बनाया है, जो आपके भरोसे पैसा लगाया है, अगर वो बंदा अगर प्रॉफिट में नहीं है तो आप पैसा कमाए नहीं हैं, लूटे हैं। और दोस्तों सोचने वाली बात यह है, हमको ही ले लीजिए एग्जांपल में, मैं किसी सिस्टम को अगर प्रेजेंट करता हूँ तो उसमें पहले बोल देता हूँ, ओपन कहता हूँ कि भाई ये सिस्टम इतने दिनों के लिए है, इसको आप लॉन्ग टर्म के वे में ना लेकर के चलो, ये लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है। तो भाई आखिर इस प्रोजेक्ट को मैं रियल कह रहा हूँ, इसकी चीज़ को आप थोड़ा एब्जॉर्ब तो करो। अगर ऐसा बात होता तो मैं भी तो आपको इसमें कह सकता था ना कि ये सिस्टम ऐसा है, इसके अंदर आप 3 महीने का 2 महीने का टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ये बोल सकता था मैं। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये आप आराम से यहाँ पे 5 साल काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है। हमारे इस अध्ययन को आप अपने आप में इंप्लीमेंट करके देखिए, अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला तो आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत थी और क्यों आपको ये करना चाहिए था। दोस्तों मैंने आपको पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें से एक है कि इसका खुद का जेनेक्स टोकन है। और देखिए जेनेक्स टोकन अभी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ गई है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड हो गई है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन आ गया, उसके बाद जो ये जेनेक्स मैंने आपको बताया भी था कि ये डेक्स ट्रेड के ऊपर लिस्टेड है, जो कि एक पब्लिक एक्सचेंज है जहाँ पर आप जाकर के बाई सेल वगैरह कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बहुत जल्द आपको ये टोकन बाइनांस जैसे एक्सचेंज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द, समझे। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों ड्रीम कम ट्रू के बारे में, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका नाम था ड्रीम कम ट्रू और ये एक रियल प्रोजेक्ट है। मैं आपको बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं इसको ऑफिस वगैरह सब विजिट करके आया हूँ, आपको इसके लिए श्योर रहना है। और यदि आप दुबई से हैं या आपका आना जाना लगा रहता है दुबई, तो भाई आप जा करके इसको विजिट कर सकते हो, मैं आपको जो एड्रेस दूंगा वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर अगर आपको नहीं दिखे तो आप हमें बताना। उसके बाद मैंने जो गया है उसका आपको क्या चाहिए, फोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, जिसमें हम खुद रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास किसी ने शेयर किया, नहीं, मैं जिस वीडियो में रहूँगा वो वीडियो हम आपको देंगे, वो फोटो हम आपको देंगे। एड्रेस की बात करेंगे तो लतीफ़ा टावर दुबई के अंदर, या फ्यूचर म्यूजियम, आपने नाम सुना होगा, फ्यूचर म्यूजियम के जस्ट सामने सड़क के उस पार, इसका लतीफ़ा टावर के 19वें फ्लोर पे है, मैं आपको बता दूँ क्योंकि बहुत सारे 19वें फ्लोर पे इसका जो है ऑफिस है। नाम क्या है तो ड्रीम कम ट्रू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से ये रजिस्टर है। अब हम इसके बेसिकली हम सारी चीज़ें तो हम आपको बता ही चुके हैं, पैरामीटर इसके इनकम और सोर्स की। तो इसके इनकम और सोर्स के अंदर हम आपको सबसे पहले क्या बताए थे कि भाई इसका जो सबसे पहला जो इसका फाउंडर है वो अदनान अहमद है, ये असीम जमील है, ठीक है। ये इससे हम लोग मिल के सामने सामने फेस टू फेस बात कर चुके हैं, और हमारे इंडिया से जितने भी लीडर हैं उसको मैंने मौका दिया है उससे बात करने का, इन दोनों से, ठीक है। मैंने उसको जूम पे ला के सबको 1-to-1 क्वेश्चन लोगों ने अपना किया है, 1-to-1 क्वेश्चन किया है, मायने रखता है, समझे। तो ये चीज़ें आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे इतनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी आपको दिखता है। अगर आपका मन है कि हमें फाउंडर से मिलना है, हमें फाउंडर से, सर ऐसा कीजिए आप हमारा फाउंडर से एक मीट करवा दीजिए, ओके, नो प्रॉब्लम भाई, हम करवा देंगे, आइए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कंपेयर टू अदर सिस्टम अच्छा लगा, और इस चीज़ को हम इसको अच्छा कहते हैं। अगर हम इसकी सोर्स ऑफ इनकम की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था मल्टीपल सोर्सेज है, जिसमें से सबसे पहला है भाई इसका खुद का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे 5,000 ऐसे ब्रांड है जिससे इसका पार्टनरशिप है, समझे। आप जो भी इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से दुनिया के किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, समझे, किसी भी कंट्री से आप घर बैठे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जा करके और कोई भी चीज़ प्रोडक्ट को बाय करके आप अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं, पहला है। सेकेंड है इसका रियल इस्टेट का बिजनेस है, तीसरा इसका जेनेक्स टोकन है, जेनेक्स टोकन से ये बाय करता है, चौथा इसका ट्रेडिंग का डिपार्टमेंट है, पाँचवा इसका चैरिटी वगैरह है, ट्रस्ट है,
ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कंपनी के अंदर ये मल्टीपल सोर्स पे काम करती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आते हैं इसके इनकम पीडीएफ पे, और देखिए मैंने आपको बताया था इसका ऑफिस है दुबई के अंदर, दुबई में कहाँ पे है वो भी मैंने आपको बताया। आप डायरेक्टली आते हैं इसका जेनेक्स टोकन पे, तो जेनेक्स टोकन के बारे में मैंने आपको बताया है, और डिटेल वीडियो अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए लॉन्ग टर्म रियल कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे आपको ड्रीम कम ट्रू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूट्यूब पे सर्च कर दीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा उसको आप, क्योंकि उसमें हमने बहुत डीपली बताया है तो उसको आप जरूर से जरूर देखिए। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप हमसे जो पूछना चाहते हैं जो सवाल होगा आप हमसे डायरेक्टली कीजिए। मैं देखिए ओपनली कहता हूँ आप इस प्रोजेक्ट को क्यों करेंगे वो सारा क्वेश्चन का आंसर आपके पास होने चाहिए। मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ रियल है, उस सारे क्वेश्चन आपका होना चाहिए। आप हमसे पूछो, मीटिंग में आओ तो पूछो भाई ओपन। हम तो चैलेंज देते हैं लोगों को कि एक पॉइंट भी अगर आपको चीज़ें अगर गलत लग रही है तो आपको ओपन है कि आप मीटिंग में सवाल करो सबसे, अगर नहीं जवाब दिए तो बेकार है, सामने बताएंगे भाई। ठीक है, जेनेक्स का फीचर है। हम आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट था वो $100 से था, फिनटॉक में भी $100 से था। ठीक है, फिनटॉक आपको क्या करता था, यहाँ पे फिनटॉक की अगर हम बात करें, एक साइड में मैं यहाँ पे फिनटॉक लिख देता हूँ, फिनटॉक में आपको 1% डेली देता था और ये आपको अप टू 3% डेली देता है, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है, किसी दिन 1% भी मिलता है, किसी दिन 1.5 भी मिलता है, 2% भी मिलता है, और मैक्सिमम जो है ये 3% तक आपको दे सकता है। ठीक है, फिनटॉक के अंदर आपको क्या लालच दिया गया था, फिनटॉक के अंदर आपको लालच ये दिया गया था भाई, यहाँ पे आपको फिनटॉक आपको लाइफ टाइम तक अर्निंग देगी, लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसमें आप 5x तक ही कमा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट का 5 गुना तक ही आपको मिलेगा, उसके बाद आपको रिपर्चेज करना होगा। ठीक है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं था, इसमें टाइम पीरियड था 200 दिन तक ही आपको देगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम रिपर्चेज पे काम करती है। आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी रिपर्चेज पे काम करती है तब मार्केट में सर्वाइव कर रही है, क्योंकि जिस सिस्टम के अंदर रिपर्चेज सिस्टम और कैपिंग नहीं हो वो सिस्टम का वजूद नहीं होगा, वो चल नहीं सकता, और ये दोनों चीज़ें इस सिस्टम के अंदर है, समझे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट दे रहा था, ये है पहला अंतर। डिफरेंट सेकंड की अगर हम बात करें तो वो आपको उसके इनकम का परसेंटेज देता था, जीएम रैंक बनते थे तो इतना इतना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपको वन टाइम आपको 8% डायरेक्ट का मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो जब भी बाई करेगा पैकेज, चाहे 200 दिन में करे चाहे 5 गुना कमाने के बाद करे, तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़, अब आपको सोचने वाली बात यहाँ पर ये है भाई मेरे, कि जब आपके पास उससे बेटर ऑप्शन था, फिनटॉक से अच्छा सिस्टम आपके पास था, जो प्रॉफिट के मामले में भी हर चीज़ के मामले में, तो उसके बावजूद भी अगर आपने नहीं किया तो भाई आप अपने लॉस का कारण खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है, मैं किसी को भी दोष नहीं देता हूँ। ठीक है, आपके पास ऑप्शन था यार, आपने ही नहीं किया ना। और देखिए अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एक विजन मिशन है कंपनी का, उस चीज़ को आइए बात कीजिए, समझिए और स्टार्ट कीजिए। अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, लॉस रिकवर करवाने की हम आपको देते हैं, वो वादा करते हैं कि हम आपका लॉस रिकवर करवाएंगे और अच्छा बिजनेस कर पाओगे, और आप एक बार आप हमारे साथ स्टार्ट तो करो भाई। हमारे जितने भी लीडर हैं ना वो जानते हैं मेरे बारे में, कभी साथ नहीं छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रिंस जो भी करता है ओपन कहता है कि ये इतने दिन का प्रोजेक्ट है, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं। अभी मैंने GPT स्टार्ट किया है, आपको पता होगा मैंने GPT जो फिनटॉक का कॉपी है उसके अंदर मैंने क्या बोला है भाई, दिस सिस्टम इज नॉट अ लॉन्ग टर्म, मे भी हो सकता है कि फिनटॉक से 1-2 महीना ज़्यादा चल जाए या 2 महीना कम चल जाए, समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, मैं क्यों बोला यार, मुझे क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, मैं मेरा मकसद ये है कि हमारी वजह से किसी भी लोगों का पैसा लॉस ना हो। मेरा शौक नहीं है बहुत सारा तरह की प्लान करना, डेली प्लान चेंज करना, नहीं यार क्या ज़रूरत है, एक पे रहो, टिके रहो, अच्छे एक ऐसा प्रोजेक्ट करो उस पर काम करो, नहीं तो यही हाल होगा। प्रत्येक अभी क्या देख रहे हैं लोग, आज 3 महीना पहले कोई और प्रोजेक्ट कर रहा था, आज 3 महीना बाद कोई और भेज रहा है। भाई मेरे साथ जो जुड़े हैं ना उसको पता होगा, मैं जो प्रोजेक्ट साल भर पहले कर रहा था वही प्रोजेक्ट आज भी कर रहा हूँ, क्यों? ये क्वालिटी है हमारे अंदर। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर भी, आपको एग्जीक्यूटिव का अगर आप बनते थे यहाँ पे लेवल इनकम भी था, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपने यहाँ पे डेली का ROI के ऊपर भी परसेंटेज था, लेकिन आपने ही ना कहीं इस चीज़ को नहीं माना, तो भाई भुगतना तो आपको पड़ गया। सब कुछ है यार, जो आप चाहते थे वो सारी चीज़ है। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे, इस वीडियो को आप अच्छा लगा होगा। तो अगर आपका चाहते हैं कि भाई हमें लॉस हो गई है, चलो जो हो गया उसको पीछे को गोली मारो, आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती, और हाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे नाम से लोगों को मैसेज करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ नए प्रोजेक्ट के अंदर ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे आप हो चाहे कोई हो, मैं किसी को भी आज तक मैं आपको पर्सनली मैसेज कभी नहीं करूँगा, जब तक आप हमसे कुछ पूछेंगे नहीं या जब किसी चीज़ आप मांगेंगे नहीं तब तक मैं आपको नहीं दूंगा। तो सीधी बात, अगर मेरे नाम से अगर कोई आपको मैसेज करता है या कुछ कहता है तो वो डेफिनेटली स्कैमर होगा, मैं आपको कभी भी डायरेक्टली मैसेज नहीं करूँगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। आपकी ज़रूरत है, आपको अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए तो आप हमें जब मैसेज करेंगे उसके बाद ही आपको मेरे तरफ से मैसेज जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आई होप केयरफुली समझिए, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ड्रीम कम ट्रू जैसा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए
मैं ये बात पता है कि भाई इस मार्केट के अंदर अपना चूरन सब बेचना चाहता है, सब बेचना चाहता है। लेकिन दोस्तों उससे भी हट के जो एक चीज़ है वो है इंसानियत। मैं इंसानियत देख रहा हूँ, मुझे पैसा भाई बहुत मैं कमा चुका हूँ, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। कमाना नहीं कहते हैं उसको, लूटना कहते हैं। ठीक है, मैं आपको आज कह रहा हूँ अगर आपको लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए आप ड्रीम कम ट्रू को अंदर आकर के अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ पे अमल करें। अभी भी आपका देर नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, अभी तो मात्र मुझे यहाँ पे अगर बात करें तो फरवरी से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, 4 महीना हुए हैं। और 4 महीने के अंदर अगर हमारी इनकम देखेंगे तो आप एक बार शौक रह जाइएगा, समझिए। हमारी वीकली जो इनकम है, एक सप्ताह की जो इनकम है, एक सप्ताह में हमारी जो इनकम होती है वो अभी इस सप्ताह की बात करें तो 96,400 समथिंग, यानी अराउंड 1 लाख रुपया का हमारा इस सप्ताह का इनकम है। अगर हमारा प्रेजेंट रैंक की बात करेंगे तो हम अभी गोल्ड अचीव करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, क्योंकि हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म को चुना है। तो इस चीज़ को आप समझिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी ही कुछ ज़्यादा है, इस वजह से मुझे कूलर चलाना पड़ रहा है जो कि आवाज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।